आगे बढ़ते खबरों में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आने से बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटों पर एक बार फिर से अपनी झोली में डालेगी। ये दावा उन्होंने मंडी के पड्डल मैदान में 24 मई को प्रस्तावित पीएम मोदी की रैली की तैयारी को लेकर किया है। उन्होंने कहा है कि 24 को हिमाचल में पीएम मोदी की दो रैलियां होने वाली हैं। एक रैली नाहन में सुबह और दोपहर को छोटी काशी मंडी में होगी। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल आगमन के लिए, और मुझे इस बात की खुशी है कि लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में 24 तारीख को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने के लिए मोदी जी नाहन और नाहन के पश्चात मंडी में आने वाले हैं, और हम छोटी काशी के सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ छोटी काशी में अभिनंदन करते हैं। और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मोदी जी का जब भी आगमन हुआ है हिमाचल प्रदेश में, 2014 में आए तो हम चारों सीटें जीते, 2019 में चुनाव प्रचार के लिए लोकसभा में आए तो चारों सीटें जीते हैं, और अब की बार 2024 में भी जब आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, शानदार जीत होगी। एक बार मैं सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों रैलियों में आप निश्चित रूप से जो है वो बड़ी संख्या में पहुंच करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को सुने। अभी तक ये तो तय है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल प्रदेश में आना होगा, और अमित शाह जी का, गडकरी जी का, राजनाथ सिंह जी का, और संभवतः योगी जी भी हो सकता है एक दो कार्यक्रम के लिए हिमाचल प्रदेश में आए। तो अभी तारीखें तय होनी है, लेकिन कुल मिलाकर के इन सारी चीजों को लेकर के